हेलो गाइस, तो आप सभी का मेरे चैनल में दिल से स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं फेस मास्क। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने एक प्लेट ली है जो कि 28 सेंटीमीटर है। अब लोग देख सकते हैं ये 28 सेंटीमीटर है। तो मैंने यहाँ पे चॉक का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अगर मैं पेन से करती तो ये डार्क कलर है और पेन दिखता नहीं, तो इसीलिए मैं चॉक का यूज़ कर रही हूँ सर्कल बनाने के लिए। अब मैं कैंची की हेल्प से इसको गोल कट कर लूँगी पूरा। इसी तरीके से कट कर लेती हूँ इसको। और एक और चीज़ बोलूँ, मैंने गाइस फर्स्ट टाइम ये मास्क बनाया और पहली बार में ही मेरा बहुत अच्छा मास्क बना है, और मैं वाकई बहुत खुश हूँ मास्क बना के। और आप इसी तरीके से इसको हाथों से भी बना सकते हैं, जैसे मैं मशीन से बनाने वाली हूँ, तो आप लोग हाथ से भी बना सकते हैं इसको। बिल्कुल सेम मेथड है, हाथ से भी और मशीन से भी। तो ये मैंने इस तरीके से इसको कर लिया। और अब मैं इसको ये कॉर्नर से इस साइड मैं लूँगी, इधर ये 4 सेंटीमीटर ये लिया है, और इधर से लूँगी मैं 8 सेंटीमीटर। अब इसको ये प्लेट रख के और पूरा मार्क कर लेंगे, 4 से 8 तक इस तरीके से मार्क कर लेना है। और अब इसे मैं कट कर लूँगी। और मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मेरी सिलाई मेरे को बिल्कुल भी नहीं आती है, और मशीन भी मैंने मम्मी से मंगाई है, क्योंकि मम्मी करती हैं सिलाई, कुछ ना कुछ सिलती रहती हैं। तो बस मेरा मन था कुछ ना कुछ करने का, तो मैंने बस मंगा ली उनसे। और इसी तरीके के 2 टुकड़े कट कर लेंगे, ठीक है? और दोनों को उल्टा रखना है, एक दूसरे के ऊपर उल्टा रखना है इस तरीके से। और दोनों के कॉर्नर जो है साइड से, ये यहाँ से और ये इधर, यहाँ से दोनों साइड से सिल लेंगे इसको, ठीक है? तो मैंने अब रख ली है मशीन और मैं जा रही हूँ सिलाई करने। और मार्केट से भी मास्क खरीदा जा सकता है, लेकिन जो कोई भी चीज़ हो अपने हाथों से बनाने के बाद जो खुशी मिलती है ना, वो अलग ही होती है कि हाँ भाई मैंने बनाया है। जैसे मैंने कई सारे फ्लावर पॉट बनाए हैं, तो उन्हें जब भी मैं देखती हूँ मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है कि मैंने बनाया है। और जब भी मेरे घर में कोई आता है तो मैं सबको यही दिखाती हूँ कि मैंने बनाया है। बहुत अच्छा लगता है कोई भी चीज़ अपने हाथों से बनाओ। और ये देखो, ये मैंने दोनों तरफ से, इधर से भी और दूसरी साइड से भी, दोनों साइड से सिल लिया है। अब इसको कर लेंगे हम इस तरीके से। देख सकते हैं जैसे कि जो सिलाई है वो बीच में कर लिया है, सिलाई वाला पार्ट दोनों साइड से बीच में कर लिया है। देखो बिल्कुल जस्ट ऊपर रहना चाहिए जो सिलाई वाला पार्ट है। अब चाहो तो आप एक कच्ची सिलाई करके या आलपिन लगा के इसको सेट कर सकते हो, लेकिन मैंने ये सीधा ही सिल लिया। अब इधर से और नीचे की साइड दोनों से मैं सिल लूँगी, लेकिन छोटा सा एक एक साइड में छोटा सा एक होल रख लूँगी मैं, 2-3 सेंटीमीटर का सा होल रख लिया है। और देखो सिलने के बाद अब इसे मैं जो नीचे की जो अंदर की जो सीधी साइड थी उसको अब मैं बाहर कर लूँगी, और जो उल्टी साइड है वो अंदर चली जाएगी। इस तरीके से इसको छेद से ही पूरा निकाल के इसको सीधा करना है। तो छोटा सा जो होल किया था मैंने उसी से किया है, ये सीधा कर लिया है इसको। देखो अब सिलाई भी नहीं दिखेगी इस तरीके से, और ये हमारा सीधा भी हो गया। ये देखो मास्क बन के तैयार है लगभग। और अब जो मेरा जो होल था जो मैंने छोड़ दिया था इसको सीधा करने के लिए, ये साइड से जो होल था, मैं दिखाती हूँ 1 मिनट। अब उस होल को मैं क्या करूँगी, ये जो है होल इसको भी मैं सिल दूंगी। हल्की सी साइड से ही सिलाई लगानी है इस पे, तो मशीन से ही सिल दूंगी इसको भी।
क्योंकि ब्लैक कलर है और ये इसका भी डार्क कलर है तो दिखेगा भी नहीं और इसकी सिलाई भी हो जाएगी। तो मैंने ऊपर से भी सिल दिया इसको। इस तरीके से। और अब इसके दोनों जो कॉर्नर हैं, दोनों साइड कॉर्नर, इनको भी मैं फोल्ड करके और दोनों साइड से सिल देती हूँ। इसको भी जो दोनों साइड से जो एंड है इसका मास्क का, दोनों साइड उसको भी मैं सिल दूंगी। लेकिन थोड़ा सा एक उंगली के बराबर मैंने लिया है जिससे कि मैं इसमें लास्टिक डाल सकूँ। जैसा कि आप लोग देखो कि मैंने थोड़ा सा दूरी से किया है, इसी तरीके से दूसरा साइड भी सिल लूंगी। तो मैंने दोनों साइड से इसी तरीके से सिल लिया है मास्क को। ये देखें, तो थोड़ी सी चौड़ी चौड़ी सी मैंने पट्टी है, वो लास्टिक डालने की वजह से थोड़ा चौड़ा चौड़ा सिला था। और ये है लास्टिक जो कि मेरे को मार्केट से मैंने बहुत पतली वाली ली है और ये मेरे को 3 रुपये मीटर मिली थी। तो ये मैं हेयर पिन है, इसकी हेल्प से मैं इसमें डाल दूंगी। और इसमें डालने के बाद और इसमें लगा दूंगी मैं इधर से एक गांठ इस तरीके से। और इस गांठ को छुपाने के लिए मैं इसको कर दूंगी अंदर इसके इस तरीके से। दूसरा भी इसी सेम तरीके से ही डालेंगे और फिर इसको भी छुपा देंगे। और अब मैं एक एक सिलाई और लगा दे रही हूँ जिससे कि ये घूमे ना, जो लास्टिक है वो घूमे ना, जिससे कि जो गांठ है वो दिखे ना और वो बाहर ना जाए, इसलिए मैंने एक एक सिलाई और लगा दी है। तो बस इसी तरीके से मास्क बहुत इजी है बनाना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मेरे को सिलाई नहीं आती थी, सोचो मैंने भी बना लिया। तो आप लोग भी इजीली बना सकते हैं, एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो बस मास्क बन के तैयार हो गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अब मैं आप लोग को पहन के दिखाती हूँ। देखो, और इसको काफ़ी बड़े लोग भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा है, इजी है। तो बाय बाय गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।